दोस्तों आजकल जब हम फेसबुक खोलते हैं, जब इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो हमें एक ऐसी पोस्ट दिखाई पड़ती है सेलिब्रिटी लोगों की, जिससे हमें देख के लगता है वाह यार ये कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल रोल फोटो। डबल रोल फोटो बहुत ज़्यादा अपलोड हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है डबल रोल फोटो का। और हमारे दिमाग में ये ज़रूर ये आता होगा कि यार जो डबल फोटो अपलोड कर रहा है कोई भी इंसान, तो वो किस तरीके से बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से ही, अपने मोबाइल से ही आसान तरीके से डबल फोटो आप अपनी ही कैसे बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं स्टाइलिंग की, हेल्थ की और एजुकेशन के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूँ, सोचा कि जो मेरा दूसरा चैनल है, जो मेरा भाई का चैनल है स्काइकिंग टेक्निकल, सोचा इस पर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि मुझे पता है। उसने कहा ये तुझे आता है तो तू शेयर कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें डबल फोटो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। और आपको करना क्या होगा, आपको दो फोटो क्लिक करवाना होगी, फुल फोटो क्लिक कराना होगी सेम लोकेशन में। जब सेम लोकेशन में आप फोटो क्लिक करा लोगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताता हूँ। चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको दो फोटो क्लिक कराना है सेम लोकेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेम लोकेशन पे आपको दो फोटो क्लिक करा लेना है, एक ये फोटो है और एक ये दूसरा फोटो आप देख सकते हैं। पहला प्रोसेस आपको यही करना है, पहला स्टेप यही है। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, जिसको हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपको प्ले स्टोर से 1-2 MB का आसानी से मिल जाएगा। जब आप इसको खोलते हैं तो आपको फ़ोटो को लोड करना है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारा जो लेटेस्ट फ़ोटो है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो एक फ़ोटो ऐसे ही रहने देना है, एक फ़ोटो का बैकग्राउंड हमें इस पर क्लिक करके ऐसे हम कर लेंगे इसको, इस तरीके से आपको बिल्कुल पास पास में ले लेना है इस तरीके से। हमें डन पे क्लिक कर देना है। तो अब जो फंक्शन दिख रहा है आपको, एक तो ऑटो का दिख रहा होगा, एक मैजिक का, एक मैनुअल का। तो हमें मैनुअली अपना बैकग्राउंड इरेज कर लेना है, बहुत सफाई से बिल्कुल बैकग्राउंड इरेज करना है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ़ोटो आपके सेम है, दोनों सेम लोकेशन है, तो इतना पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे ही करके बैकग्राउंड पूरे दोनों फोटो, इस वाले फ़ोटो का रिमूव कर लीजिए पूरे फ़ोटो का। जब ऐसे ही हो जाएगा ये, तो आप इस पर डन पे, मैं भी अब करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी करा हुआ है। तो हम इस पर डन पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपको 1-2 पे जैसे भी आपको करना है सेव कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हमें पिक्स आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पिक्स आर्ट डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है। तो हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पिक्स आर्ट। तो हमें एक फ़ोटो खोल लेना है, दो फोटो थे सेम लोकेशन में हमने क्लिक कराए थे, तो एक फ़ोटो खोल लेना है और हमें जाना है ऐड फोटो पर। उस पर जब हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से, हमें दूसरा फ़ोटो ऐड कर लेना है और हमें सेम हाइट टाइप रखनी है। ऐसे हम रख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोकेशन सेम है आपकी। इस तरीके से ऐड कर लेना है आपको, या ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें वैसे ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो दोस्तों यही तरीका था कि किस तरीके से डबल रोल फोटो बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही। यहाँ ओके कर देंगे, सेव कर देंगे। मुझे पता है आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर पता चल गया होगा कि आप अपने ही आसान तरीके से डबल रोल फोटो कैसे बना सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को। और सैफ इम्तियाज़ ऐसे ही आपको टेक्निकल की सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।